हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सुशांत सिंह। एक जो है सोशल मीडिया पर एक बयान ज़्यादा वायरल हो रहा है कि पूरा का पूरा फरीदाबाद स्मार्ट नहीं है, केवल एक जो एरिया है वो स्मार्ट है। तो उसी स्मार्ट फरीदाबाद में हम खड़े हैं, उसी स्मार्ट सिटी में हम खड़े हैं। ये देखिएगा, साइकिल ट्रैक यहाँ पर बनाया गया था, परंतु साइकिल ट्रैक की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पर करोड़ों रुपये की लागत से जब साइकिल ट्रैक बनाया जाता है तो वहाँ पर लाखों रुपये गबन कर लिए जाते हैं। इसी का मुद्दा जो है कुछ लोग उठा रहे हैं। देखिए हमारे सामने जो है सुमित गौड़ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दा उठा रहे हैं और उनके पास क्या प्रूफ है कि ये जो है इस शहर में बातचीत कर लेते हैं। देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, कल फरीदाबाद में इस जगह पे कालू नाम का सपेरा बुलाया गया, इस जगह से सांप निकाले गए हैं। अभी उस शुरू निवार हूँ मैं आपको, ये फरीदाबाद का पहला पार्क है। नहीं हाँ नहीं सेक्टरों में ये देखिए, ये तय किया गया था, खुद नरेंद्र गुप्ता विधायक यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था ये साइकिल ट्रैक बनने दो, इस पर साइकिल वाले लोग चले गए, आम लोगों के लिए साइकिल ट्रैक बना रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बनाओ, मोस्ट वेलकम, हम भी साथ देंगे। समझ लो हम साइकिल ट्रैक पर ही हाँ, चल रहे हैं। हाँ, फिर दीवार कर देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, आप आइए, ये स्मार्ट सिटी का देखिए, आप पार्क हाल देखिए। अब मैं दिखाता हूँ जो साइकिल ट्रैक दिखाऊंगा आपको, देखिए जिस पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, ये ट्रैक है। यहाँ आके रुक गया, अब साइकिल वाला कैसे जाएगा? ये अच्छा यहाँ पे रुक गया, ये ट्रैक कूड़ा घर बना रखा है, ये कूड़ा घर है, कूदा देगा उधर। हाँ, यहाँ से साइकिल कूदा देगा, हेलीकॉप्टर लग रहा है बीजेपी नाम का। आगे देखिए सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए, फिर कहते हैं सुमित गौड़ बोलता है। अरे जब जब शहर रोएगा सुमित गौड़ बोलेगा और सुमित गौड़ बरसेगा आपके। मैं दिखाता हूँ, नहीं आगे से देखिए, मैं दिखाता हूँ साइकिल ट्रैक। चंद कदमों के बाद आप बताओ इनके केंद्रीय मंत्री और इनके विधायक नरेंद्र गुप्ता जी यहाँ से साइकिल पर निकल के दिखा दें जी। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सारी जिंदगी इनके घर के बाहर चौकीदारी करूंगा। ये साइकिल चला के दिखा दें, ये सुमित गौड़ का दावा है। आइए, ये साइकिल ट्रैक है बाबू जी। हाँ जी, ये देखिएगा, ये साइकिल ट्रैक है, ये देखिएगा कहाँ से निकलेगा आदमी, ये देखिए, दिखाइए एक बार इधर आ जाओ। मैं ये साइकिल ट्रैक है जिसके नाम पे करोड़ों रुपए खा गए ये लोग, आम आदमी करके, कहीं गाय भक्ति के नाम पे, कहीं ये तो बस सिर्फ इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम करना आता है, देश बांटना आता है, वोट बटोरनी आती है, जुमलेबाजी करनी आती है। आप ये देखिए, और आज तक ये 15-16 एकड़ डिवाइडिंग रोड है, ये साइकिल ट्रैक आपने देख लिया, एक कोर्ट के सामने साइकिल ट्रैक बना हुआ है, दोनों जगह आज तक एक भी साइकिल नहीं चल पाई है, चलनी भी नहीं थी, सिर्फ क्योंकि लेकिन अगर 1 करोड़ लगा के 10 करोड़ कमाने हैं तो इसीलिए साइकिल ट्रैक बनाया गया। तो इसका रंग फ्री में उड़ गया, आप देख लीजिए इसके पेंट के लिए कहा गया था कि 3 साल की गारंटी है, 3 साल की गारंटी वाला पेंट 3 महीने नहीं चला। मैं वही तो धर्मेंद्र आप सब भाइयों को बताना चाहता हूँ, आप देखिए कहाँ गया साइकिल ट्रैक, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। क्या लगता है कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है? कम से कम इस साइकिल ट्रैक में 7-8 करोड़ रुपए खा चुके हैं ये लोग, साइकिल ट्रैक में खा चुके हैं 7-8 करोड़ रुपए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए साफ तौर पर कह रहा हूँ, ये कहाँ बीज आपके कुछ अंधभक्त भी होंगे, उनसे कहना चाहता हूँ, जो इंसान फरीदाबाद का है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस बाद में है, जिसके लिए पहला मेरा फरीदाबाद है, जो अभिमानी आदमी ना वो कमेंट करना आज, जो अंधभक्त है वो मत करना, सच्चाई को आदमी। और उल्टा मुझे भी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी केस में फंसाने की धमकी आ रही है फोनों पे, लेकिन सुमित गौड़ नाम है मेरा भाई, ना झुकूंगा ना दबूंगा ना रुकूंगा, मैं हर चीज भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जब जब फरीदाबाद रोएगा तब तब सुमित गौड़ चिल्लाएगा। और मैं पार्क भी देख लेते हैं सामने, ओपन जिम वगैरह भी वहाँ पर, ये देखिएगा करोड़ रुपए का घोटाले की बात कही जा रही है सुमित गौड़। ये साइकिल ट्रैक ये देखिए, इन पेड़ों की ट्रिमिंग नहीं कर रहे, इन पेड़ों की ट्रिमिंग, साइकिल जाएगी कहाँ से, साइकिल ट्रैक तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। देखिए दोनों साइड जो है साइकिल ट्रैक बना हुआ है और यहाँ पर सुमित गौड़ एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये देखिएगा, और यहाँ पर दोनों तरफ साइकिल ट्रैक बना हुआ है और करोड़ रुपए का घोटाला, 7-8 करोड़ रुपए का घोटाला ऐसा कह रहे हैं। स्मार्ट सिटी है जी मेरे फरीदाबाद के, तो दोस्तों आप सब लोग घरों से बाहर निकलें, इन बीजेपी वालों के नेताओं का स्वागत करें बंद करें, इन्हें अपने ब्याह शादियों में बुलाना बंद करें, इनकी चाय पार्टियां बंद करें। अच्छा ये भी साइकिल ट्रैक है जी, ये भी साइकिल ट्रैक है, आज तक कोई नहीं, आगे ये भी बंद हो जाएगा। अच्छा आगे बंद तो है ही, दिख रहा है बिल्कुल, ये मेंटेनेंस है, कई कई करोड़ों रुपए ये लोग खा चुके हैं, लेकिन इन्हें क्या है फॉल्स बिलिंग करनी है, अभी पैसा कमाने के लिए कहीं कोई लगा हुआ दिखाना पड़ेगा। साइकिल ट्रैक का कोई उपयोग ही नहीं था, इससे अच्छा इसको वॉकिंग ट्रैक का नाम दे देते, लेकिन क्या कहते हैं जब आदमी बेईमानी करने आता है ना तो कोई ना कोई गलती वो जरूर कर जाता है जल्दबाजी में, अगर वो वॉकिंग ट्रैक कहते हैं फिर भी चलो समझ आता कि पेंट उड़ा दिया ये तो, और इस पेंट की गारंटी 3 साल की थी जो 3 महीने भी नहीं चला। इसमें विदेश से पेंट मंगाया गया, इसमें वारे के न्यारे करे गए हैं, इस पेंट में सारा काम जो किया गया, ये फरीदाबाद है, नगर निगम मौन है,
अब नई कमीशन आई है नगर निगम की, अब देखते हैं वो कुछ करते हैं। बीजेपी वालों से कोई उम्मीद नहीं है हमें। और सर यहाँ पर जो गेट बने हुए हैं लोगों के, और मान लो कोई साइकिल से जा रहा है, गेट अचानक से खोल दिया तो मर जाएगा बस। बिल्कुल, वो भी बेचारा। ये आप, मैं इसलिए क्यों कहता हूँ, देखिए फिर कहते हैं सुमित गौड़ बोलता है, सुमित गौड़ भाई, सुमित गौड़ तो बोलेगा भी। मैं बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार रही 10 साल राज की अभी हाल फिलहाल में, समस्याएं हमेशा होती है थोड़ी बहुत, लेकिन तब समस्याओं का तुरंत निवारण होता था, सुनवाई होती थी और समस्या दूर होती थी। अब तो साला सुनवाई नहीं है, सुनवाई करने वाले को जेल में ठोक देते हैं, केस कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। सुना है आपके सामने बढ़िया सा ओपन जिम बना है, आइए देखते हैं वो भी। आइए दिखाता हूँ मैं, आइए। बिल्कुल, ये देखिएगा यहाँ पर 7-8 करोड़ रुपए की घोटाले की बात कही जा रही है, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ जो है फरीदाबाद वासियों की आवाज़ उठा रहे हैं, और करोड़ों रुपए के घोटाले के बावजूद भी जो है सरकार स्मार्ट सिटी में गहरी नींद सोई हुई है। और ये देखिएगा एक ओपन जिम भी बनाया हुआ है यहाँ पर, उसकी भी हालत हम आपको दिखाएंगे, ये देखिएगा। ये देखिएगा सामने, देखिए सामने, हाँ सामने ओपन जिम है ये देखिएगा, और जर्जर अवस्था में पड़ा है ओपन जिम, ये देखिए। ये भाई साहब ये ओपन जिम है? हाँ जी, यहाँ महिलाएं बच्चे आके बैठते हैं, कहाँ बैठेंगे? कोई सांप वहाँ पे निकला था क्या? वो कल निकाला गया है। अच्छा, जब ही जब मेरे पे रिपोर्ट आई तो मैं यहाँ पे आके फिर शुरू हुआ। आप देखिए क्या करें, लोग कहाँ जाएं। और ये सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने ये फाउंटेन लगाया था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के समय, आ जाओ ये फाउंटेन लगा था, अच्छा भला चलता था, इन्होंने ये भी बंद कर दिया। अच्छा, मतलब इसकी मेंटेनेंस जो होती, काम जो होते हैं, तो ये जो पार्क बना ओपन जिम बना सारे रोक दिए, बिल्कुल खराब सा पड़ा है ये तो। आप देख लीजिए, आप दिखाइए कैमरे, दिखाइए है क्या यहाँ पे, आप दिखाइए है क्या जी। आप तो यूज ही नहीं होता होगा ये यूज, वो यहाँ पे इतने सारे घर हैं, कई बार लोग हाईवे वाले लोग रुक जाते हैं यहाँ बैठने के लिए, कुछ शांति के लिए, यहाँ तो कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। ऑन रोड है, कोई हाईवे से पहला पार्क है ये। फिर ये बीजेपी कहती है स्मार्ट सिटी, ये इनकी सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी का नज़ारा दिखाने लाया हूँ मैं आज आपको सबको। आज आपने जो यहाँ पे दिखाया, मैं जगाने आया हूँ उस गूंगी भरी बीजेपी सरकार को। अब हमें, अब नगर निगम की नई अधिकारी आई हैं, कमीशन आई हैं, उम्मीद है शायद वो कुछ कार्य करेंगे, अदरवाइज इससे पहले फरीदाबाद में कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी सरकार जब अधिकारियों से मिली हुई है, ठेकेदारों से मिली हुई है, तो कैसे उनको धमका सकती है, कैसे उनको कुछ सुना सकती है। ठीक है सर, ये सरस है ये। तो मैं तो भैया बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, अपने फरीदाबाद की आवाज उठाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बिल्कुल, ये देखिएगा यहाँ पर बहुत बड़ी जो यहाँ पर समस्या उठाई है, और सेक्टर 16 में मौजूद है, सामने देखिए NH2 मथुरा रोड है, और यहाँ पर थोड़ी ही दूरी, या फिर बात करें 10-15 मीटर की बात करें, तो यहाँ पर एक पार्क पड़ता है, जहाँ पर जगह जर्जर अवस्था में पार्क पड़ा है, साइकिल ट्रैक पड़ा है, और करोड़ रुपये की घोटाला की बात जो है कांग्रेस प्रवक्ता सुमित गौड़ ने कही है। ये देखिए समय समय पर मुद्दा उठाते रहते हैं और सरकार को जो है गहरी नींद से जगा रहे हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।